नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त अपना एमपी का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। एम्स में चल रहा नर्सिंग स्टाफ का धरना खत्म हो गया है। एम्स प्रबंधन ने दोनों ही पक्षों के बीच में सुलह करा दी है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच में विवाद हुआ था, हड़ताल पर बैठा था नर्सिंग स्टाफ। 16 घंटे तक चली नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल खत्म हो गई है। तो एम्स प्रबंधन ने दोनों ही पक्षों के बीच में रजामंदी करा दी है, सुलह करा दी है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच ये विवाद शुरू हुआ था। 16 घंटे तक नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल चली और अब जाकर वो खत्म हुई है। तो ऐसे में मरीजों को और उनके परिवार वालों को परेशानियां हुई, लेकिन अब जाकर दोनों ही पक्षों के बीच में सुलह करा ली गई है। वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, 16 घंटे चली ये लंबी हड़ताल और अब जाकर खत्म हो गई है, किन किन बातों पर सहमति बन गई है? निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के बीच जो विवाद का मामला सामने आया था, दरअसल ये पूरा विवाद मंगलवार को का बताया जा रहा है, जहां पर बर्न एंड प्लास्टो जो विभाग है वहां पर एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ में कुछ बहसबाजी हुई। नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर्स पर ये आरोप लगाया था कि बदतमीजी करते हैं, बुरी तरह से बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उसके बाद जब शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा नर्सिंग स्टाफ जो है वो कल देर रात तक और आज भी धरने पर हड़ताल पर बैठा रहा, जिसके बाद एम्स प्रशासन हरकत में आया और दोनों ही पक्षों को समझाइश दी गई और सुलह हो गई है। और इस पूरे सुलह के पीछे की वजह यह है कि एक जांच दल का गठन जो है वो किया गया है, जो दोनों ही पक्षों को सुनेगा और उसके बाद तमाम तथ्यों का जो है वो आकलन किया जाएगा, तमाम तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये पूरा निर्णय इसी बात को मद्देनजर लेकर लिया गया है। और कहीं ना कहीं मध्यस्थता भी इसी बात पर हुई है कि किसी भी तरह से जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं वो ना बिगड़े, मरीजों को किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि ना सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से और देश भर से जो मरीज हैं वो इलाज कराने के लिए एम्स पहुंचते हैं और एम्स से उन्हें खासी उम्मीदें भी होती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी बॉडी है और रोज़ाना हजारों लोगों को यहाँ पर जो इलाज है वो मिलता है, जिसमें डॉक्टर्स के साथ जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी भी महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो रहती है। तो नर्सिंग स्टाफ की कुछ जो मांगे थी खासतौर पर व्यवहार को लेकर, उसको लेकर उन्होंने अपनी पूरी शिकायत रखी है और आश्वासन उन्हें दिया गया है कि जांच दल बनाई गई है और तथ्यात्मक जांच जो है वो की जाएगी और उसके आधार पर जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम है वो होगा। और जिस भी तरीके से अब जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि कौन क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में आने वाले समय में होती है, लेकिन अच्छी बात फिलहाल ये है कि जो धरना था, जो हड़ताल थी, जो विरोध, हड़ताल खत्म हो गई है। फिलहाल मरीजों को जो परेशानियां हैं वो खत्म हो गई है यहाँ पर और अब जांच दल सुनेगा और उसके बाद देखते हैं कि अगला कदम क्या होता है। वासु, फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां सिपाही अनुराग राजावत की हत्या हुई है। झाड़ियों में शव मिला। एसएएफ की 13वीं बटालियन के पास झाड़ी में मिली लाश। पिता भाई से अक्सर होता था विवाद। कल रात तीनों के बीच घर में झगड़ा हुआ था। पिता और भाई पर हत्या का शक है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया है। पिता ग्वालियर के 13 बटालियन में हेड कांस्टेबल है। मामले की जांच की जा रही है। थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनुराग राजावत नाम की सिपाही की हत्या होने की खबर है। झाड़ियों में शव मिला है। एसएएफ की 13वीं बटालियन के पास ये शव मिला। रात के अंधेरे में जो मृतक का छोटा भाई जो इसमें आरोपी है वो, और उसने अपने एक दोस्त को बुलवा के इस बॉडी को कहीं फेंकने की नीयत से, डिस्पोज ऑफ करने की नीयत से उसको रात पर मोटरसाइकिल पर रख के लेके जा रहे थे। बट हमारे नाइट पेट्रोलिंग की बड़ी सतर्कता से ये पूरा प्रकरण पकड़ में आया है और जो इसमें दोनों आरोपी हैं और जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी उन सबको बरामद कर लिया। इसमें अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम में विसरा में अगर लगेगा तो हम विसरा जब्त करेंगे। उसमें अगर कोई ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग एजेंट आता तो उस हिसाब से देखा जाए। श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दूध डेयरी और मावा के गोदामों पर छापा पड़ा है। प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम की कार्रवाई। दूध डेयरी पर मिला यूरिया खाद और मिलावटी दूध। गोदाम से काफी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ है। 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
विजयपुर के इकलौत गांव में गोदाम पर कार्रवाई, दो दूध डेयरी और गोदाम पर छापामार की कार्रवाई की गई है। तो श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छापेमारी में जो कार्रवाई हुई उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहां एक दूध डेयरी से ये मिलावटी सामान मिला है, यूरिया खाद और मिलावटी दूध काफी मात्रा में यहां से मिला है। 5 लोगों पर FIR भी दर्ज कराई गई है। शिवपुरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर चोरी का वीडियो सामने आया है। रामराजा गार्डन के सामने रखा था ट्रैक्टर, CCTV में ये वारदात रिकॉर्ड हुई है। पुलिस कर रही है चोर की तलाश। वो ट्रैक्टर चोरी का वीडियो सामने आया है शिवपुरी से, ये आप देख पा रहे हैं। रामराजा गार्डन के पास ये ट्रैक्टर खड़ा था उसके सामने, जहां से इसकी चोरी हुई है, और अब पुलिस इस फुटेज के आधार पर चोर को ढूंढ रही है। तो ये वीडियो सामने आ गया है जो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था, ट्रैक्टर चुराने का वीडियो, और किस तरह से यहां पर चोर ट्रैक्टर को चुरा कर ले गया है, ये पूरी तस्वीरें वहां लगे वीडियो में कैद हो गई हैं, रिकॉर्ड कर ली गई हैं, और अब इसी वीडियो फुटेज को निकलवाकर पुलिस चोर को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। और अब बात कर लेते हैं उज्जैन की, जहां सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अंधविश्वास में बच्चे को सरिये से दागने का आरोप लगा है। आरोप है कि महितपुर तहसील के किशनखेड़ी निवासी अजीत और मधु के 1 महीने के बेटे को निमोनिया हो गया था, जिसके बाद बच्चे को सरिये से दागा गया। बच्चे के घायल होने के बाद उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिलहाल बच्चे को अभी भी निमोनिया है और उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं परिवार अंधविश्वास की बातों का खंडन कर रहा है। कुछ दिन पहले शहडोल में भी बीमार बच्चे को अंधविश्वास के नाम पर 51 दफा गर्म सरिये से दागा गया था। दमोह से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चाहत पांडे का वीडियो वायरल हो गया है। चाहत का डांस करते हुए यह वीडियो वायरल हुआ है, जहां फिल्मी गानों पर डांस करती आई है नजर। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है। चाहत पांडे का हिजाब पहने फोटो भी वायरल हो चुका है। ये वीडियो हालांकि काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में फिल्मी गाने पर डांस करती दिख रही हैं चाहत, और ऐसे में जो विरोधी हैं वो चाहत को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी कर रहे हैं। चाहत आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं और दमोह से चाहत पांडे का ये वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है, और न सिर्फ वीडियो बल्कि चाहत का हिजाब पहने हुए एक फोटो भी वायरल हो चुका है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चोरी की तस्वीरें लाइव यहां पर रिकॉर्ड हुई हैं। बाइक चुराते हुए चोर CCTV में रिकॉर्ड हुए हैं। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के इंद्रमणि नगर की घटना है। दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो चोरी की घटना का ये वीडियो सामने आया है। ये देखिए, दो घेरे में आपको दो लोग दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक चोर है जिसने चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये देखिए, दोनों ही किस तरह से यहाँ पर बाइक चुरा कर भागे हैं। पहले वो ऐसे यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते नहीं हो, रास्ते से गुजरने वाले कोई आम मुसाफिर हो, लेकिन किस तरह यहाँ बात करते करते, फ़ोन पर बात करने का बहाना करते करते, ये दोनों ही मौका लगते ही वहाँ खड़ी एक बाइक को चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। और पुलिस अब इन दोनों की तलाश कर रही है। तो पुलिस की सख्ती के बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। अभी भी सड़कों पर बिना हेलमेट के फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं मुसाफिर। कल से पुलिस चेकिंग अभियान शुरू किया हुआ है। राजधानी में 17 पॉइंट लगाकर यह अभियान चलाया था। 450 से ज्यादा लोगों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए फाइन किया गया था। पुलिस प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी राजधानी भोपाल में लोग हेलमेट पहनने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। कल जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की गई, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूं तो कल सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो कार्रवाइयां की गई थी, उसमें 315 लोग ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जब वही 115 लोग ऐसे थे जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। इसके अलावा 23 ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई थी जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया था।
ये कार्रवाई लगातार 50 दिन तक जारी रहेगी। बात केवल स्पॉट फाइन की नहीं है, बात आपके जीवन की है, इसलिए यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें और हेलमेट जरूर पहने और चार पहिया वाहन अगर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने। कैमरामैन मनीष शंकर के साथ साइलेंट सिंह, न्यूज 18 भोपाल। तो एमपी कई शहरों की आबो हवा जहरीली हो गई है। ग्वालियर की हवा सबसे खराब बताई जा रही है। AQI यहां पहुंच गया 347। 7 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार हो गया है। प्रदेश में सबसे शुद्ध हवा की बात की जाए तो वो मेहर की है, यहां पर AQI 80 है। दिल्ली NCR का प्रदूषण भी जानलेवा स्तर पर पहुंच गया है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। कहां कितना AQI है आपको बताने, जबलपुर में 268, भोपाल में 258, रतलाम में, इंदौर में 248, उज्जैन 238, देवास में 202, कटनी में 203, रतलाम का 148, सागर में 136, सतना में 87। ये AQI है आपको जहां अलग अलग जगहों का बता रहे हैं। ग्वालियर की हवा सबसे खराब है, मेहर की हवा सबसे फिलहाल सही बताई जा रही है। तो मेहर में AQI है 80 और दिल्ली NCR में 400 के पार पहुंच गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। देवउठनी एकादशी से शादी विवाह का दौर फिर से शुरू हो गया है, जहां सिर्फ ग्वालियर जिले में आज 500 से ज्यादा शादियां हैं। लिहाजा ग्वालियर के बैंड मार्केट में भी ग्राहकों की बहार है। बता दें कि ग्वालियर में लगभग 100 से ज्यादा बैंड कंपनियां हैं। आज देवउठनी का 11 के मौके पर लगभग सभी बैंड पहले से ही बुक हो चुके हैं। आज देवउठनी 11 के साथ ही शादी विवाह का सीजन शुरू हो चुका है। शादी विवाह अगर होती है तो बैंड बाजे की बात ना हो तो फिर ये शादी ब्याह अधूरा रहता है। यही वजह है कि शादी विवाह के सीजन में बैंड बाजों की डिमांड रहती है। हम इस वक्त खड़े हैं ग्वालियर के इस बैंड मार्केट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि देवउठनी 11 के साथ ही आज से बैंड बाजे बारात का सिलसिला शुरू होगा और इसके लिए ग्वालियर के करीब 100 से ज़्यादा जो बैंड एजेंसी है उनके लगभग 500 से ज़्यादा बैंड आज पूरी तरह से बुक है और पूरे शहर में लगभग 300 से ज़्यादा जगह पर शादी है। आपको बता दें कि इन बैंड बाजों को लेकर पूरे इस ग्वालियर के बैंड मार्केट में भी चहल पहल है। हम यहां बात करेंगे बैंड संचालक से, किस तरह का क्या सीजन, भाई साहब आज कैसा दिन है? आज देव उठान है तो आज का बेसब्री से जो शादी से जुड़े हुए लोग हैं उनको इंतज़ार होता है कि आज के दिन का, 4 महीने बाद 5 महीने बाद वो दिन आता है आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा काम भी है मार्केट में सबके पास। तो आशा करता हूँ कि आज जैसा दिन है तो ऐसे रोज़ दिन हो तो सबकी पूर्ति हो जाए, जो कोरोना में काल में जो सबका घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो पूरी पूर्ति हो जाए आज। मतलब लगता है कि ये साल जो है अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए? हाँ, स्टार्टिंग तो अच्छी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आज शुरुआत हो रही है देवउठनी 11 के साथ ही बैंड बाजों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज से इनका शादी ब्याह का कार्यक्रम शुरू होगा और इस बार उम्मीद है कि कोरोना काल के बाद ये साल बैंड बाजों के लिए भी बेहतर रहेगा। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर पाटो उत्सव का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना के बाद से लगातार यहां पर 62 सालों से पाटो उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में देवउठनी एकादशी के मौके पर विद्वान ब्राह्मण और बटुकों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पाटो उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रबंध समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव भी मौजूद रहे। हर साल की तरह पाटोत्सव महोत्सव का आज आयोजन हुआ है और मेले का शुभारंभ भी आज ही होगा। काफ़ी भव्य आयोजन हुआ है और मेला भी काफ़ी अच्छे तरीके से लगेगा और चूंकि आचार संहिता लगी हुई थी तो चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है और चुनाव आयोग ने यही आचार संहिता पालन करते हुए परमिशन दी है। पिछले 63 वर्षों से यदि भी आयोजन हमारे इस नगर में होता चला रहा है, आज ही के दिन भगवान मार्गशीर्ष पंचमी को भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई थी उसके समारोह के उपलक्ष्य में आज एकादशी के दिन से यह मेला प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं।
नगर पालिका की दृष्टि में यह 62वां है, लेकिन भगवान का प्रतिष्ठा महोत्सव 63वां है, क्योंकि एक वर्ष लेट उन्होंने शुरू किया था। तो उस दिव्य आयोजन का शुभारंभ आज के दिन से किया गया है। परंपरानुसार परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी प्रत्यक्ष रंजन महाराज श्री की प्रतिमा का पूजन किया गया, मस्तरम बाबा जी की मूर्ति का पूजन किया गया, और फिर यहाँ से लाइटिंग ऑन करके सभी पदाधिकारियों द्वारा और संतों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा मेले का शुभारंभ किया गया है। आज देव उठनी एकादशी है और भगवान पशुपतिनाथ महादेव पर पाटो उत्सव शुरू हो गया है। आज से ठीक 62 साल पहले यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर पाटोत्सव का आयोजन किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर विधिवत रूप से सांस्कृतिक मेले की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए जिला प्रशासन ने पहले निर्वाचन आयोग से परमिशन ली, उसके बाद में यहाँ पर मेला आयोजित किया जाएगा, सांस्कृतिक मेला। पहले की तरह जिस तरह से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे वो भी होंगे और पाटोत्सव के दौरान यहाँ पर मंदिर परिसर में कई धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। हमारे साथ मौजूद है पंडित कैलाश जी भट्ट, उनसे पूछते हैं कि किस तरह के यहाँ पर आयोजन होंगे, पाटोत्सव आज शुरू हुआ है, किस तरह से कार्यक्रम रहा आज। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान महादेव भूतभावन अष्टमुखी पशुपतिनाथ भगवान का पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्ष जी महाराज के कृपा से, सत कृपा से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान पशुपतिनाथ जी का पाटोत्सव प्रारंभ हुआ है। सन 1961 संबत 2018 में पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्ष जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत प्राचीन काल से 10 दिवसीय पाटोत्सव महोत्सव होता था, जब बढ़कर के 15 दिन और 1 महीना तक का हो गया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी देव प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होता है और नित्य नियमित विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक होता है एवं नयनाभिराम श्रृंगार होता है, काफी दर्शनार्थी पधारते हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी का दर्शन करके धर्म लाभ लेते हैं। साथ में विद्युत साज सज्जाओं से भगवान के मंदिर को सजाया जाता है एवं कई बाहर से, सुदूर से, विदेशों से तक दर्शनार्थी पधारते हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी के पाटोत्सव महोत्सव में सम्मिलित होकर के धर्म लाभ लेते हैं। चूंकि साथ में कई धर्माचार्य पधारते हैं, संत भी पधारते हैं और भगवान पशुपतिनाथ जी को अभिषेक करके धर्म लाभ लेते हैं। तो पाटोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में तो कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम होंगे ही सही, इसके अलावा जो सांस्कृतिक मेले का आयोजन है उसमें दूर दूर से यहाँ पर व्यापारी आएंगे, अपनी दुकानें लगाएंगे। इसके अलावा मंदिर प्रबंध समिति कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन करेगी। नरेंद्र धनोजिया, News18 मंदसौर। अब बात मंडला की, जहां अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश भर के किन्नर शामिल हुए। इस मौके पर किन्नरों ने कलश यात्रा निकाली, कलश यात्रा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेड़ से लटका मिला वन रक्षक का शव, जंगल में पेड़ से लटका मिला, फिलहाल पुलिस कर रही है तफ्तीश। तो टीकमगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। तस्वीरें ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि बिना ब्लर किए, और जंगल में पेड़ से लटका मिला ये शव है एक वन रक्षक का। फिलहाल पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है कि आखिरकार ये क्या मामला है, हत्या के बाद शव को यहाँ पर लटकाया गया है, आत्महत्या दिखाने की कोशिश है या कुछ और वजह है। टीकमगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या तस्करों की ये हरकत है, इस पीछे, इस वारदात के पीछे कौन है, पुलिस अभी पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने में जुट गई है। बड़ी खबर टीकमगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां जंगल में पेड़ से ये शव लटका मिला है। और आइए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ।